अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी। आज की शाम सैगरी के नाम सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द पाकिस्तान मैं आज हूँ। इस वक्त सागरी शहर के अंदर, जो कि हिंदुओं और सिखों का एक बहुत बड़ा शहर था, लेकिन पुराने वक्तों के लिहाज से बड़ा था, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ये उतना बड़ा शहर नहीं है। यहाँ पे ये दो मंदिर हैं इस वक्त मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जो छोटा मंदिर नज़र आ रहा है आपको, ये है मंदिर त्रिमूर्ति। इसमें तीन मूर्ति स्थान बने हुए हैं जिसमें तीन तरह की पूजा हुआ करती थी। अब ये तो कोई हिंदू ही बता सकता है कि त्रिमूर्ति या तीन स्थान का क्या मतलब है। अब ये देखें, ये पहला स्थान है ये, और ये दूसरा स्थान था यहाँ पे, और ये तीसरा स्थान है। यानी कि ये तीन स्थान जो थे, मूर्ति स्थान बने थे, और यहाँ पे तीन मूर्तियाँ रखी जाती थी। और दूसरा ये मंदिर है, शिव मंदिर है। एक चीज़ की मुझे अभी तक समझ नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हैं वो शिव मंदिर हैं पोठोहार के अंदर, कृष्णा और शिव मंदिर, बाकी मंदिर मुझे बहुत कम नज़र आए हैं। ये है सागरी का शिव मंदिर, सागरी शिव मंदिर। और कभी यहाँ पे ये है शिव मंदिर सागरी। आज के नाम, आज की शाम सागरी के नाम शिव मंदिर सागरी। ये हिंदू संगत में बिफोर द पार्टीशन यहाँ पे जो है पूजा हुआ करती थी। और ये तीन टोटल मंदिर थे, एक बिल्कुल अलोप हो चुका है, और एक ये त्रिमूर्ति मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर सागरी। और ये शिव मंदिर। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द पाकिस्तान। और साथ में ये यहाँ पे एक कुआं भी था। आप ज़रा एक मिनट उठ जाइएगा, उठ जाए ज़रा एक मिनट। ये दोनों मंदिर, कभी यहाँ पर इसके साथ रूम्स भी थे, इनकी बलियाँ निकली हुई हैं, बरामदे थे। उसके बाद ये पवित्र कुआं था इस मंदिर का। यहाँ पे जो है वो सागरी का कुआं। और ये आप देखें, अभी भी रियल स्टोन्स के साथ जो है वो बना हुआ जो है वो बाकी है। जाने वाले चले गए, सब कुछ यहीं पे रह गया। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, आज की शाम सागरी के नाम और वीर गुरप्रीत आनंद जी के नाम ढलते साए सागरी। सागरी वो शहर जहाँ पर सिख दौर की आखिरी चौकी थी, और उसके बाद सिख राज ख़त्म हो गया, सिखों ने सरेंडर कर दिया, और उसके बाद कंप्लीट ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द पाकिस्तान, सेव द हिस्टोरिकल गुरुद्वारास एंड टेंपल ऑफ द पाकिस्तान।